झिरनिया मंडी प्रांगण में आयोजित बूथ सेक्टर मंडलम कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें विधायक श्रीमती झुमा सोलंकी को भारी मतों से जिताने की हुंकार भरी। झिरनिया युवक कांग्रेस कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। मेड़ागढ़ के 30 भाजपा कार्यकर्ता भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। बूथ स्थानीय मंडी प्रांगण में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी नेताओं का यूथ कांग्रेस के द्वारा स्वागत किया गया। झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। पार्टी के हैं और जहां नहीं है वहां पे हमारे कांग्रेस का संगठन, हर विधानसभा में 60,000 फार्म छपवाएंगे और हर बूथ पे पहुंचाएंगे। और ये पहुंचाने का काम दीदी हम सुन लीजिए, पहुंचाने का काम हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता करेगा, वो फार्म लेकर जाएगा। इसकी जो रूपरेखा तो हमारे रवि नायक जी ने आपको बता दिया पूरा, कि पूरी तरह से इस तरह से हमारे किसान कांग्रेस के फार्म थे, उसी तरह से हमारी नारी सम्मान योजना का भी फार्म जो कमलनाथ जी ने हमें दिया है हूबहू वैसे की वैसा छपवाया हमने। और ये आपके पीछे इसमें हमारी बहन का नाम ना, इसका कोई कार्यक्रम होगा कि हम लोग एक जगह बुला के इसको भरेंगे? नहीं, हम यहाँ नहीं भरेंगे, ये हम लोग घर घर जाएंगे, हमारा कार्यकर्ता घर जाएगा, वो सिर्फ उनसे निवेदन करेगा कि आपका आधार कार्ड और समग्र आईडी हमको सिर्फ दिखाना भर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।